प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के देशभर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजट पर प्रकाश डालते हुए उसकी उपयोगिता व लोक कल्याण से जुड़ी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बारीकियों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने लगा है और इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष से दिए गए हैं। उन्होंने कहा, अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है। गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए हैं उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की। देश में 4 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्यो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, जिसमें उद्योग व्यापारों के लिए किसी भी चीज के लाने के ले जाने में लगने वाला समय कम होगा। भारत से निर्यात बढ़ने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका, शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने संबोधित किया।